सभी प्रकार के मानसिक रुग्ण जैसा कि डिप्रेशन, स्किजोफ्रेनिया, पूरा पागलपन या बहुत साल की मानसिक बीमारियां, इसका इलाज करने के लिए रिश्तेदारों को बहुत परेशानी आती है। पेशेंट के पास में वो रुक सकता नहीं है, हॉस्पिटल में दाखिल नहीं कर सकता है, रुक सकता नहीं है। समझो पेशेंट के साथ में वो रहते हैं तो उनका समय चले जाता है, उनकी रोजी रोटी डूबती है। इसलिए हमने ऐसा एक हॉस्पिटल निकाला है कि जहाँ आप पेशेंट को अकेले रख सकते हैं, अकेले दाखिल कर सकते हैं, उनका इलाज हम करेंगे और इलाज करने के बाद में आप उनको वापस लेकर जा सकते हैं। इसमें हर तरह की जो लत है, जैसे शराब की लत, गांजा, सिगरेट, ब्राउन शुगर, भांग, इसकी लत के जो पेशेंट है वो भी पेशेंट का इलाज किया जाएगा। मंदबुद्धि के पेशेंट है, फिर बुढ़ापे में जो याददाश्त निकल जाती है, भुलक्कड़पन आता है, रास्ता घूम जाते हैं, ऐसे पेशेंट्स हैं, तो ऐसे पेशेंट को भी अकेले रख के भर्ती करने की व्यवस्था की हुई है। बहुत बार ऐसा होता है कि उनको घर में रखना मुश्किल है, पेशेंट के साथ में इलाज करने के लिए रिश्तेदार हॉस्पिटल में रुक नहीं सकते हैं, या रिश्तेदारों को बाहर गांव जाना है, टूर पे जाना है, और ऐसे वक्त पेशेंट को लेकर नहीं जा सकते, या पेशेंट को अकेले घर में नहीं रख सकते, तो ऐसे समय भी आप पेशेंट को हमारे रिहैब सेंटर में, पुनर्वसन केंद्र में दाखिल कर सकते हैं। आपके यहाँ कोई फंक्शन है, शादी है, पेशेंट कभी वायलेंट हो जाता है, उसको घर पर रखना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो ऐसे समय आप पेशेंट को हमारे यहाँ रख सकते हैं। हमारा सन्मित्र मानस हॉस्पिटल सीमेंट गोडाउन के पास, अकोट रोड, अकोला, यहाँ आप संपर्क कर सकते हैं। मैं डॉक्टर दीपक केळकर आपका इंतजार करूंगा। आप नीचे जो नंबर दिए हुए उसके ऊपर आप संपर्क कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।